दिल्ली से आ रहा हूँ। दिल्ली से आ रहा हूँ, क्या परेशानी है आपको? पेट की दिक्कत है, पेट में दर्द रहता है। अच्छा, और भूख नहीं लगती, खाना नहीं खाया जाता, वेट लॉस है। कितने साल से दिक्कत है? 1.5 साल से। और कितनी उम्र है आपकी? 26। हमारा कैसे पता लगा? मेरे को बताया था किसी ने। अच्छा, हमने यूट्यूब पर भी डाल रखा बेटे के नाम से नबी चल्ला, और ये नाभि को मेडिकल में मानते हैं, नलों पर स्वेलिंग, आंतों पर स्वेलिंग, लीवर पर स्वेलिंग, बस यही बताते रहेंगे। एंडोस्कोपी करा दी, पहली बार सुना हमने जीवन में पिछले 2-3 महीने में कि इसमें लोगों ने एंडोस्कोपी भी करा दी, 4-4 बार, 3-3 बार, 2-2 बार। अल्ट्रासाउंड तो आम बात है, सिटी स्कैन भी करा दी, आंतों का संबंध माइंड से आपको मानसिक समस्या आपको बना है, मतलब बच्चा इस कदर परेशान है, इतनी भयानक स्थिति है, लोग हमें मालूम भी नहीं था, हमें तो अभी पता लगा 2-4 महीनों। हम तो 7 साल से सेवा करते हैं, सेवा तो हम 7 साल से कर रहे हैं, लेकिन पता अभी लगा कि इतनी भयानक स्थिति है। 18 साल, 17 साल, 21 साल, 22 साल, 28 साल, 27 साल, 28 साल, 32 साल, 38 साल के भी जो सेना के दिल्ली से आए वो भी ठीक नहीं हो पाए अपने 18 साल से 15 साल की जो परेशान। तो ही निरंकार में तेरी शरण में नु बख्शो, परम पिता परमात्मा कर कर तेरा वास कर करावन आपकी सब कुछ करे, अंग संग तुझको देख के अवतार करे अरदास को राजा अधिराज को। सच्ची बात, शकिन पकड़े इसको आपने पहन के रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी निकालने की, ठीक है ना? और बिल्कुल ठीक हो जाए कोशिश करें तो भी पहन कर रखें, और स्पोर्ट्स शू में कोई दिक्कत नहीं होती, लाफर वगैरह में चमड़े के जूते में दिक्कत होती है। अगर जब आप ठीक हो जाएंगे 2-4 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो इसको निकाल दें कभी कोई आवश्यकता पड़े तो, दोनों मत निकाल लें, ठीक है ना? आराम तो एक से हो जाता है, लेकिन हम दोनों इसलिए डाल देते हैं कि अगर एक ढीला हो गया और एक ठीक है तो भी आप ठीक रहें, इससे खून वून ना रुके, जिससे ज़्यादा टाइट वो तो कोई कहने की बात नहीं। जितना इनका उम्र है 24 साल मुझे छल्ला पहनने हो गया, 24 साल छल्ला पहनने हो गया हमें। हाँ जी, लेकिन इतना भयानक स्थिति बच्चों के साथ हो रही है हमें मालूम नहीं था, ये तो यूट्यूब के द्वारा जो बच्चे आए तब बता रहा है। तो ही निरंकार में तेरी शरण में परमात्मा कर सकते हैं, कब्ज के लिए हम 5 घरेलू उपाय बताते हैं, बाकी जब नाभि अपनी जगह पाएगी वो तो ऑटोमेटिक ठीक हो ही जाता है, लेकिन तब तक के लिए थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करते रहे, 2-4 उपाय बताते हैं हम, ठीक है ना? ठीक।
स्वेलिंग तो नहीं आती आपके पैर पे? नहीं। अगर कभी स्वेलिंग आ भी जाए हल्का फुल्का तो हल्का सा ढीला कर लो बड़ी पेचकस वगैरह से, टेस्टल से। और एक प्लेन प्लास्ट भी होता है, इससे भी क्या है कि हम ऐसे ढीला कर सकते हैं इसको, इधर से इधर, इधर से इधर हल्का सा। ठीक। और जब कभी बहुत ढीला हो जाए, ये पीछे चला जाए, तो हम इसी जगह पर इसको पहनते हैं। अगर कभी ऐसा हो ना, कभी बाइक बहुत ढीला हो जाए, तो जैसे हमने इसको इससे किया ना इधर इधर, तो हल्का सा उतार के हल्का सा माइनर सा कटिंग कर ले, बहुत ज़्यादा कटिंग ना करें, कभी छोटा हो जाए। और ये प्लेन प्लास्ट भी ला सकते हैं घर पे, ये भी ला सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन पर होता है, ये स्कूटर वालों पे होता है, बाजार में मिल जाते हैं 30-40 का ही मिल जाता है, 60 रुपये के लगभग ये मिल जाता है। वैसे भी काम आ जाता है घर में, कोई ऐसी बात नहीं, ला भी सकते हैं घर में। और आपने यहाँ पहन लिया तो वरना सुधार की हालत नहीं पड़ जाती है, हो सकता है एक घंटे में आराम होना शुरू हो जाए, एक दिन में आराम होना शुरू हो जाए, शाम तक हो जाए, दो घंटे बजे आप बताओगे काम आराम हो जाएगा। ना भी इसको पहन के अपनी जगह पर आप ना पाएंगे, आपने कुछ नहीं करना, ना कुछ करना, दाएं बाएं ऊपर नीचे हमें कोई भ्रम नहीं रखना, ना कोई रेखाएं मिला, कुछ ना करो, पहले ठीक हो जाओ। अच्छा, आगे जीवन पड़ा 6 महीने बाद, साल बाद जो मर्जी करते रहो, दौड़ो भागो कुछ करो, किसी ने कर रहे बस वो तो मजबूरी में कर रहे हैं। उससे जो योग का एक्सपर्ट है वो भी ठीक हो पाए, जो दुनिया को योग सिखा रहे बाबा रामदेव, अपनी नाप ठीक कर सकता, वो आपकी नहीं कर सकता, चैलेंज इस बात का। अच्छा, गूगल पे नहीं है रामदेव, अमेरिका नहीं है गूगल पे, डाल दो अभी पेन क्रिया ना भी गूगल पे, देख लो वहाँ अमेरिका है क्या या रामदेव हो। गूगल हमारा तो नहीं है, ये आपका है अपना तो नहीं, ना वहाँ रामदेव है, ना अमेरिका, ना चीन, ना जापान, वो मानते ही नहीं ना अभी को, ठीक क्या करेगा, वहाँ रामदेव भी नहीं है। ये पढ़े 1,00,000 रुपये ठीक कर जाए, मुझे मतलब क्या करना है, जो मर्जी कर वो बता सकता है भाई, ऐसे कर लो ऐसे कर लो, ठीक नहीं होता नॉर्मली, वरना लोग वहाँ रह के भी आए, रामदेव के आश्रम में भी रहता है, भाई को राम अवतार ने जो करके है दिल्ली में, राम अवतार के यहीं से तो पता लगा मुझे आपका, बिजली से जा इस चीज में, वहाँ किसने बता दिया, वहाँ पे एक आपके यहाँ पे आए होंगे, नहीं तो वो वहीं पर काम करते हैं क्या? नहीं नहीं, काम वाम नहीं करते। अच्छा, वो क्या कहते हैं, कोई आया होगा। अच्छा, तो उसने उसे बताया होगा, वो मेरे को वहाँ मिल गया, ये पर मैं यहाँ तो आऊँगी, मैं वहाँ जा रहा हूँ, उन्होंने को ऐसे ऐसे बताया है। और भगवान की कृपा हो गई आपके पास, दस हजार रुपये लेते हैं वो 15 दिन, 15-20-25 कुछ ही ले लो, लगने की बात मतलब आराम हो जाए, कोई दुख नहीं हमारा। हाँ। शिकायत किसी को नहीं है ना बच्चों। हाँ। दुख ये होता है कि कई बच्चे आए हरियाणा के पंजाब के, ये आराम नहीं है वहाँ पे, आराम हो जाए तो कोई दुख नहीं, सवाल कोई नहीं है, 10,000-20,000 लेकिन आराम नहीं होता, तो ये दुख की बात है कि भाई फिर भी लोग कम जा रहे हैं दुनिया, उनका एड इतना प्रचार मैं तो जानता नहीं, वो तो बेटे ने बताया था कि बच्चों ने बताया राम अवतार करके कोई। अब आप ये देखो, रखो मैं दोनों, आप काम हो रहा है करते हैं, मेरे सतगुरु मेरा नाम हो रहा है, सच्चे बादशाह धाम झरों के बैठ के सबका गुजरा देख, जैसी जिसकी भावना वैसा ही है, तो ही निरंकार में तेरी शरण में। अब ये यहीं पर अपनी जगह बनाएगा, घूमते रहेगा, एक दिन बाद दो दिन बाद घूमते रहो, यहीं पर गड्ढा बनाएगा, ये पीछे नहीं जाना चाहिए, पीछे अपना आप नहीं जाएगा, और आपने घुमाना है नहीं, कोई चुभ रहा हो तो आप मुझे बताएं और चल के देख लो, उसके बाद चू पहन लो, थोड़ा पीछा आगे से लूज और कर लेना, आप आओ।